और जब ये सूचना मिली तो राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी को हमने सूचना दी कि शरद जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ये खबर सुनकर के उनको भी काफी ठेस पहुंचा है और पुराने समाजवादी नेता रहे, मंडल मसीहा रहे। कल रात में हमारे अभिभावक आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद जी का निधन का खबर प्राप्त हुआ। लगभग तकरीबन 11 बजे हमको सूचना मिली। पहले यकीन नहीं हो रहा था, फिर जब परिजनों से, माता जी से और भाई शांतनु से बात हुई तब पता चला कि ये खबर जो है सच्ची है। और ये खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत है। एक शोक का लहर हर जगह कायम हो चुका है। और जब ये सूचना मिली तो राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी को हमने सूचना दी कि शरद जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ये खबर सुनकर के उनको भी काफी ठेस पहुंचा है और पुराने समाजवादी नेता रहे, मंडल मसीहा रहे, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज, जो सामाजिक न्याय चाहता था, उनके लिए आदरणीय शरद जी ने बहुत कुछ किया, संघर्ष की और हम लोगों को हमेशा सामाजिक न्याय के रास्ते पर, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने को हमेशा हौसला हम लोगों का बुलंद करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। और अंतिम क्षण में भी जब वो बीमार थे तब भी लगातार हमारी उनसे बातें हुआ करती थी, मुलाकात हुआ करती थी और हमेशा यही कहते थे कि अब मजबूती के साथ सभी समाजवादियों को एकजुट होने की जरूरत है और सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा रहे, यही उनकी कामना रही है। तो आज हम सब लोग, आज बिहार सरकार ने भी शोक, राजकीय शोक की घोषणा की है और बाकी सारा जो दिखाए हुए जो उनके रास्ते थे अब हम सब लोग उस पर चलने का काम करेंगे। और विश्वास वाकई में नहीं हो रहा कि आज शरद जी हम लोगों के बीच नहीं है। काफी तेजी से रिकवर भी कर रहे थे जो बीमारी थी और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि तकरीबन उनको जो किडनी की बीमारी थी जो हमारे पिता और राष्ट्राध्यक्ष लालू जी की थी और इलाज को लेकर के भी सिंगापुर जब लालू जी का इलाज चल रहा था तब भी बड़ा शरद जी कंसर्न रहे थे और उनके सर्जरी सफल होने के बाद भी परिवार में भी इच्छा थी कि भाई जो इलाज है अगर बेहतर होता है लालू जी लौट के आइएगा तो हम भी वहां जाएंगे। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति मिले और परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। ये हम ही लोगों का परिवार है, समाजवादी परिवार रहा है, लड़े हों झगड़े हों लेकिन हम सब साथ एक हैं। इसलिए हम श्रद्धा के सुमन और श्रद्धांजलि जो है हम अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।